पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एक्सिस बैंक के पास 15 दिन पहले बाइक सवार बदमाशों द्वारा अंजाम दी गई 33 लाख रुपए की लूट का पुलिस ने आज खुलासा कर दिया। पुलिस ने कानपुर के रहने वाले एक बदमाश को गिरफ्तार कर लूटे गए 32 लाख रुपए बरामद कर लिए। सिविल लाइन स्थित एक्सिस बैंक के बाहर निजी कंपनी के कर्मचारियों से 5 मई को हुई लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस के मुताबिक घटना को पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के एक गांव में रहने वाले मनोज ग्वाला, विजेंद्र ग्वाला, अमर ग्वाला और वीरेन ग्वाला ने अंजाम दिया था। घटना से दो दिन पहले स्थानीय सूत्रों के जरिए लूट की वारदात को अंजाम देने पहुंचे बदमाशों ने एटीएम में कैश भरने के लिए बैंक से पैसा निकालने आए कर्मियों को लूटने से पहले ही रेकी की थी। घटना वाले दिन विजेंद्र ने कर्मियों की पहचान कराई थी। बैंक से पैसा निकालकर बाहर निकल रहे कर्मियों को अमर और वीरेन ने लूटा था। लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद पैसों से भरा बैग बदमाशों ने कानपुर के रहने वाले नरेश को सौंप दिया और उसको बैग कानपुर ले जाने को कहकर अलग अलग रास्तों से फरार हो गए थे। मुरादाबाद के पीटी पोटी के पास में एक्सिस बैंक के कैश वैन से 33 लाख रुपए का लूट हुआ था। जो कैश वैन में पैसे ले जाते हुए वो बैग छीन के गए थे, उसका आज केस का खुलासा हुआ है। एक अभियुक्त अरेस्ट हुआ है जिनके कब्जे से 32 लाख रुपए का रिकवरी हुआ है। बाकी 4 अभियुक्त अभी गिरफ्तारी होना शेष है। ये सारे चारों लोग और बंगाल के रहने वाले हैं, जलपाईगुड़ी जिले के, उनकी गिरफ्तारी अभी कर ली है। और ह्यूमन इंटेलिजेंस और CCTV फुटेजेस के माध्यम से हम ये इंटर स्टेट गैंग का पर्दाफाश करें। इस प्रकार के कई मुकदमे हैं और अभी जल्दी में ही हम लोग अरेस्ट किए, तो इसका पूछताछ अभी जारी है। बाकी डिटेल्स हम आप लोगों को बता रहे हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।